हमने शुरू में इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता का पूरा इस्तेमाल करके इन पंचायत चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करेगी। पहले प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने का प्रयास किया गया, सरकार का दबाव बना करके पर्चे नॉमिनेशन पेपर्स खारिज कराए गए। चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को डराने का, धमकाने का, स्थानांतरण की धमकी देने का काम किया गया। मतदान के दिन कैसे फर्जी मतदान हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन का पूरा इस्तेमाल किया। और अब जब मतदान की गणना हो चुकी, रिजल्ट आ चुके हैं, उसके बाद प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव के लिए कैसे हम जीते लोगों को उठाएं और गुंडागर्दी, उसमें सत्ता बल, भुजबल और धन बल तीनों का इस्तेमाल पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी करेगी। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कल रात को, आधी रात को जब सब लोग सोए हुए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के विधायक जोगेंद्र हवाना जी नदवई के ग्राम में जाते हैं और पुलिस के साथ लेकर जाते हैं। एक नहीं, दो दो तीन तीन गाड़ियां पुलिस की जाती हैं। वहां का थाने का इंचार्ज होता है, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, और जाकर के जो जीते हुए जिला पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको वो ज़बरदस्ती उठाने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से जहाँ एक तरफ ऐसे जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी जो इस तरह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के बनकर के काम कर रहे हैं, उनको कॉग्निजेंस आते हैं। मैं जिला प्रशासन से और राज्य प्रशासन से और साथ ही चुनाव आयोग से इस बात की अपेक्षा करूँगा कि वो निष्पक्ष चुनाव के लिए इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। खुद जोगेंद्र अवनाथ जी के खिलाफ जिला प्रशासन अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करके उन्होंने जो ये प्रयास किया है उसे पूरी तरह से कानून का उल्लंघन करने का काम किया, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम करें।